अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं और उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे आप अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं और ऐसा कौन सा उपाय है जिससे शीघ्र अति शीघ्र आप महादेव का साक्षात्कार करेंगे। महादेव की भक्ति का और अध्यात्म का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए, अब चलते हैं अपने विषय की ओर। आज हम बहुत ही आसान ऐसी 3 साधनाएं आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इस साधना को करते हैं या इनमें से कोई एक साधना करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे और स्वप्न में या फिर किसी भी व्यक्ति या प्राणी के रूप में आपसे जरूर मिलेंगे, आपको दर्शन जरूर देंगे। पहले तो हम यह बता दें कि इन साधनाओं को करने के लिए आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। इन साधनाओं को कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर कोई भी स्त्री पुरुष या बुजुर्ग व्यक्ति इनको कर सकता है। जो लोग बीमार हैं, जिनको आर्थिक परेशानियां मंडरा रही हैं, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, जो अपने शादीशुदा जिंदगी में परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले से परेशान हो चुके हैं, तो आप ये 3 साधनाएं या फिर इनमें से कोई एक साधना जरूर करें। किसी भी सोमवार के दिन इन साधनाओं का प्रारंभ किया जा सकता है। सुबह और शाम को भी इन साधनाओं के लिए आप बैठ सकते हैं। हो सके तो साधना में बैठने का समय एक ही होना चाहिए। मतलब आज अगर आप सुबह 7 बजे या शाम 7 बजे साधना के लिए बैठे हैं, तो हर रोज सुबह 7 बजे या शाम 7 बजे ही साधना के लिए बैठ जाएं। वैसे तीसरी साधना जो बताई है उसके लिए कोई भी नियम नहीं है, लेकिन पहले 2 साधनाओं के कुछ नियम हैं। इन साधनाओं को करने के लिए कोई भी मंदिर या शिव मंदिर या आपके घर के मंदिर में बैठ सकते हैं। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आसन के लिए लाल या काला कंबल लीजिए। इन 3 साधनों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पहली साधना है शिव पुराण ग्रंथ का पाठ। अगर आप शिव की भक्ति करते हैं, तो आपको जिंदगी में कम से कम एक बार तो शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा बार शिव पुराण का पाठ करते हैं, तो भगवान महादेव की विशेष कृपा होगी। लेकिन अगर आप भगवान शिव का साक्षात्कार करना चाहते हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 3 बार शिव पुराण का पाठ करना है। और अगर आप बहुत ज्यादा शिव भक्ति करते हैं या आप बहुत पुण्यवान हैं, तो एक बार पाठ करने पर ही आपको शिव दर्शन होंगे। शिव पुराण का पाठ कैसे करना है, यह जानकारी उस स्थान पर जहां आपका निवास है उसके निकटतम शिवालय में जाकर आप पुजारी जी से प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण का पाठ करना कोई महाकठिन कार्य नहीं है। शिव पुराण ग्रंथ के शुरुआती पन्नों में सब जानकारी दी गई है। इन पन्नों में बताया गया है कि कौन से फल चाहिए, भोग में क्या चाहिए, किस नियम का पालन करना है। तो आप उन पन्नों को पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर शिव पुराण का पाठ शुरू कीजिए। इस वीडियो में यह सब जानकारी देना मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि शिव पुराण का पाठ कैसे करें, इस विषय पर हम एक वीडियो बनाएं, तो कमेंट में बताइए। ज्यादा कमेंट आएंगे तो वीडियो जरूर बनाएंगे। मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। भगवान महादेव के दर्शन करना चाहते हैं, तो शिव पुराण का पाठ करने से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। शिव पुराण का 3 बार पाठ पूर्ण कीजिए और उसके बाद 11 छोटे बच्चों को खाना खिलाएं या आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उद्यापन कीजिए।
शिव पुराण का पाठ करते वक्त या फिर इससे साधना के चलते कभी भी आपको शिव दर्शन होंगे या शिव जी के चमत्कार का अनुभव जरूर मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि शिव पुराण का पाठ करते वक्त एक क्षण ऐसा जरूर आता है, तब भगवान शिव जी की ऊर्जा आपके पास जरूर आती है। यह तो हुआ पहला उपाय, अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है मंत्र। जब शिवा पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 1,00,000 बार जाप करना है। इसके लिए आपने 108 मनकों की 1 रुद्राक्ष की माला लेनी पड़ेगी। पहले से ही रुद्राक्ष माला आपके पास है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदी है तो प्रथम माला पूजन कीजिए, माला संस्कार विधि कीजिए। माला संस्कार कैसे करें, इसके बहुत से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। माला संस्कार विधि अवश्य करें। इसके बाद आपने 11 मनकों का, 21 मनकों का या 40 मनकों का आपकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करना है और वैसा ही संकल्प लेना है। हर रोज सूचित रूप से सुबह और शाम को आपने एक निश्चित संख्या में मंत्र जप करना है। मंत्र संख्या निश्चित कैसे करें? जितने मनकों की साधना होगी उसके हिसाब से ही मंत्र संख्या निश्चित होगी। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने हर रोज निश्चित की हुई संख्या में मंत्र जप करते रहना है, और जब साधना पूर्ण हो जाए तो भगवान भोलेनाथ जी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाना है। साधना के दौरान या फिर साधना पूर्ण होने के बाद स्वप्न में या किसी न किसी रूप में भगवान महादेव दर्शन जरूर देंगे। तीसरी साधना सबसे आसान है। इससे साधना के लिए कोई भी नियम नहीं है। इस साधना में सिर्फ संख्या निश्चित करनी है। यह साधना है मंत्र लेखन। आपने हर हर महादेव का जयकारा तो सुना ही होगा। हर हर महादेव का मतलब है भगवान महादेव मेरे सारे दुख दर्द और परेशानियां हर लीजिए। हर हर महादेव लिखना है 1,00,000 बार। आप एक पुस्तक लीजिए, प्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए और पुस्तक के पहले पन्ने पर ओम श्री गणेशाय नमः यह मंत्र लिखिए। उसके बाद हर हर महादेव लिखते जाइए। इससे साधना के लिए कोई भी नियम नहीं है। इसीलिए आप अपने घर में, अपनी दुकान में या अपने कार्यालय में कहीं भी बैठकर हर हर महादेव लिख सकते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा संख्या में हो उतना एक दिन में लिखिए। इससे 1,00,000 की संख्या जल्दी पूरी होगी। ऐसा अनुभव है कि 1,00,000 की संख्या पूर्ण होने से पहले ही भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं या फिर उनका साक्षात्कार होता है। अगर किसी दिन व्यस्तता के कारण लिखने के लिए आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 10 या 11 बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, अखंडता होना जरूरी है। जब आपका 1,00,000 मंत्र लिखकर पूरा होगा तो भगवान शिव का अभिषेक करें और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाइए। ये थी 3 साधनाएं जो आपको भगवान महादेव के दर्शन करवा सकती हैं। लेकिन इन साधनाओं को करते वक्त मन में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव होना चाहिए। स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना है। स्वयं मेहनत कीजिए, स्वयं भक्ति मार्ग पर चलिए। जैसे ही सही समय आएगा आपका कल्याण होगा। तब तक सब्र से काम लीजिए और किसी भी ठगने वाले साधु बाबाओं के चक्कर में ना पड़िए। इससे पैसा, समय और जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, तो इससे दूर रहिए। स्वयं की भक्ति को बढ़ाते हुए स्वयं के दुख और कष्टों से निजात पाएं। हमें आशा है कि ये 3 उपाय जो आपको बताएं वे आपको समझ में आए होंगे। पहली बार चैनल पर है तो MV म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। भगवान शिव आप पर, आपके घर परिवार पर कृपा करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में
ओम नमः शिवाय लिखें।